हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, वेरी गुड। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए भाग के सवाल यानी डिवाइड के तीन संख्याओं को मैंने डिवाइड आपको बताया था। ठीक, तीन संख्या की बता दी मैं, चलिए मैं आज चार संख्या की डिवाइड भी बताता हूँ। फिर उसके बाद पॉइंट यानी दशमलव लग के कैसे डिवाइड होगा वो ही बताऊँगा मैं। ठीक है, और दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? ठीक। आपके परिवार के सभी लोग कैसे हैं? सभी अच्छे हैं? वेरी गुड। भगवान का आशीर्वाद है आप सब लोग अच्छे रहें, आपके परिवार के सभी सदस्य बहुत बहुत अच्छे रहें। दिल से मेरी शुभकामना है आपके लिए कि आप लोग अच्छे हमेशा बने रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा अच्छे अच्छे काम करें। ठीक, गलत काम कभी नहीं करें। ठीक है, और देखिए देखिए दोस्तों, सपोज कि चार कोई भी अंक ले लिए, कोई भी नंबर ले लिए, 7, 9, 8, 5। अब सपोज कीजिए मुझे इसे 15 से भाग करना है। क्या 15 से भाग करना है? तो 15 से कैसे भाग करेंगे? अब 15 के पहाड़े में 79 आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखो, डिवाइड या मल्टीप्लाई यानी गुणा और भाग के सवाल करने से पहले कम से कम 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक, और टेबल 20 तक नहीं भी बाई चांस याद है तो आप मल्टीप्लाई करके भी उसे कर सकते हैं, यानी गुणा करके भी टेबल को कर सकते हैं। ठीक, देखिए 15 के पहाड़े में 79 नहीं आता, तो 15 पंजे 75 आता है। 15 पंजे 75 माइनस कर लीजिए, 9 में से 5 गया 4 बचा, और 7 में से 7 गया 0। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत? अब जो 8 है वो इसके बराबर नीचे आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये आपका नीचे आ गया। ठीक, अब हो गया 15। 15 के पहाड़े में 48 आता है, यानी 48 नहीं आता, तो 48 से पहले क्या आता है? 45। 15 तिया 45, 15 तिया 45। फिर माइनस कर लो, 8 में से 5 गया 3, और 4 में से 4 गया 0। ठीक, अब ये 5 बचा, ये इसके बराबर में आ जाएगा। ठीक, 5। 15 के पहाड़े में 35 आता है? नहीं आता है। 35 से कम क्या आता है? 30। 15 दुना 30। ठीक, फिर घटा लीजिए, 5 के 5 और 3 में से 3 गया 0, खाली 5 बचा। चलिए मैं लगे हाथों तो आपको दशमलव भी बता ही देता हूँ, पॉइंट। अब खाली 5 शेष बचा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम आगे करते हैं तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ाया। क्या दशमलव लगा के 1 0 बढ़ाया, 50 हो गया। अब 15 के पहाड़े में 50 आता है? नहीं आता है। तो 50 से कम क्या आता है? 45। 15 तिया 45, 15 तिया 45। ठीक, फिर माइनस कर लीजिए, 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो इधर से हाथ से लिए 10, 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 4, 4 में से 4 गया 0। ठीक, पॉइंट लगा के एक ही बार 0 बढ़ाएंगे। अब 0 हम अपने पास से बढ़ाएंगे। ठीक, 50 हो गया, फिर 15 तिया 45, माइनस कर लीजिए, फिर हाथ से लिए 10, 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 4, 4 में से 4 गया 0। फिर 0 अपने पास से बढ़ा लीजिए, 50 हो गया, फिर 15 तिया 45, फिर घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 4 गया 0। यानी कि दशम, कोई भी अगर ये कंडीशन आ रही हमारी कि क्वेश्चन आगे बढ़ता ही जा रहा है, नहीं डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है, तो दशमलव के तीन अंकों तक, दशमलव तीन अंकों तक डिवाइड करके छोड़ देंगे। ठीक, ये हमारी इक्वल एकदम करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। मार्कर सूख गया।
अभी गीला है। यूं तो अकेली भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, यूं तो अकेले भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, आप लोग मेरे साथ हैं ना तो मैं दुनिया को बदल सकता हूँ, ठीक है ना? कैसी रही, अच्छी रही? देखिए सपोज कीजिए चार अंक, 6 4 3 8, ठीक। सपोज कीजिए मुझे 12 से करना है, सपोज यानी कि माना माना मुझे 12 से करना है, 12 के पहाड़े से इसे डिवाइड करना है, भाग करना है। तो सबसे पहले 6 नंबर, 6 से कम में नहीं जाएगा तो दूसरा नंबर भी ले लिया, नहीं 64 हो गया। अब 12 के पहाड़े में 64 आता है, 64 नहीं आता, तो 64 से कम क्या आता है, 12 5 60। अगर आपको नहीं मालूम है तो ऐसे भी कर सकते हैं गुणा करके, जैसे 12 में हमने 5 की सब मान के 5 2 10 का 0 हाथ ले, 5 6 60, ठीक। 12 5 60, तो 12 5 60 माइनस कर लीजिए 4 का 4 और 6 में 6 गया 0, ठीक। 4 का 4, ठीक। अब जो बराबर का नंबर है वो 4 के बराबर में उतर जाएगा, ठीक। अब 12 के पहाड़े में 43 आता है, नहीं आता है। 43 से पहले नंबर कौन सा है जो 12 के पहाड़े में आता है, 12 चौक 48, 48 ज़्यादा हो गया तो 12 3 36 माइनस, भाई 3 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर से हासिल लिया हो गया 13, 13 में से 6 गया 7 बचा, इधर 3 बचा, 3 में से 3 गया 0। अब जो ये 8 है ये 7 के बराबर में आ जाएगा भैया, ठीक। 78 हो गया, 12 के पहाड़े में 78 आता है, 12 6 72, 78 नहीं आता, तो 12 78 से पहले क्या आता है, 72, ठीक। 12 6 72, 12 6 72, ठीक। माइनस कर लीजिए, 8 में से 2 गया 6 और 7 में 7 गया 0। फिर आगे बढ़ाइए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दिए। अब 12 के पहाड़े में 60 आता है, आता है 12 5 60, 12 5 60, 0 में 0 गया, 6 में 6 गया 0। कंडीशन क्या है, यानी कि अब एक ही बार से पूरा डिवाइड होगा, खाली पॉइंट लगा के 0 बढ़ा के 12 5 60 पूरा डिवाइड, तो आगे सवाल बढ़ ही नहीं सकता, और आगे बढ़ता रह रहा तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक। कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना? हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। चाहत न होती अगर तुम न होते। थोड़ा एंजॉय भी करिए साहब, सीरियसली की टाइम सीरियसली, थोड़ा एंजॉय। अब देखिए साहब, जब तक तो मैं डस्ट कर रहा था, मिटा रहा था सर भी, आप भी सोचते रहते ये साहब अजीब सा है, ठीक है। क्या अजीब साहब, हमेशा सीरियसली में पढ़ाऊँगा आप लोग, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अब ये मेरा सूख गया, अब सीरियसली बन जा रहे, ठीक। देखिए अब कंडीशन हमारी क्या अप्लाई हो रही है, सपोज कीजिए, और मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको,
सिक्स एट को आठ से अगर करते हैं तो आठ के पहाड़े में छः आता है? नहीं, क्योंकि छः कम है आठ से, तो दोनों नंबर ले लेंगे, अड़सठ हो गया। आठ के पहाड़े में अड़सठ आता नहीं आता, तो अड़सठ से पहला नंबर ऐसा कौन सा जो आठ के पहाड़े में आता है? अट्ठू अट्ठू चौंसठ, अट्ठू अट्ठू चौंसठ। माइनस कर दीजिए, आठ में से चार गया चार, छः में से छः गया जीरो। ठीक, अब चार से बचा इसे पॉइंट बनाते हैं दशमलव में, तो दशमलव लगाया, पॉइंट लगाया, जीरो बना दिया। अब आठ के पहाड़े में चालीस आता आता है, आठ पंजे चालीस, आठ पंजे चालीस, फिर माइनस जीरो, जीरो में जीरो गया जीरो, चार में चार गया जीरो। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। सेवन नाइन फाइव को हमें करना है छः से, छः के पहाड़े में सात आता नहीं आता है, तो सात से कम क्या आता है? छः एकम छः, छः एकम छः, घटा लीजिए, सात में छः गया एक, बराबर का नौ, नीचे आ जाएगा। छः के पहाड़े में उन्नीस आता है नहीं आता, तो उन्नीस से पहले छः तियाँ अठारह, छः तियाँ अठारह, माइनस कर लीजिए, नौ में से आठ गया एक, एक में से एक गया जीरो। अब जो ये पाँच है जे इधर उतार लिया, छः के पहाड़े में पंद्रह आता है नहीं आता है, तो पंद्रह से पहले कोई आता है? छः दुना बारह, छः दुना बारह, फिर माइनस कर लीजिए, पाँच में से दो गया तीन, एक में से एक गया जीरो। तीन आ गया, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ा दिए। छः के पहाड़े में तीस आता है, आता है, छः पंजे तीस, तो छः पंजे तीस, माइनस जीरो के जीरो, तीन में से तीन गया जीरो। ठीक, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन अब देखिए, नौ जीरो फाइव को पाँच से कर दीजिए, तो पाँच के पहाड़े में नौ आता है नहीं आता है, नौ से कम क्या आता है? पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, घटा दीजिए, नौ में से पाँच गया चार, जीरो आया, ये यहाँ पर उतर गया आपका। पाँच के पहाड़े में चालीस आता आता है, पाँच अट्ठे चालीस, फिर माइनस कर दिए, जीरो जीरो, चार में से चार गया जीरो। अब क्या बचा? पाँच, पाँच उतर के हमारा कहाँ गया? यहाँ पे। क्या पाँच उतर कहाँ गया? यहाँ पे। अब पाँच के पहाड़े में पाँच आता आता है, पाँच एकम पाँच, माइनस कर दीजिए, पाँच में से पाँच गया जीरो। ठीक, समझ में आया? अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप उसे कीजिए और पॉइंट में करेंगे दशमलव में। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कुछ और दे रहा हूं मैं, ये नौ क्वेश्चन है,
अब ये आप लोग क्या घर से करेंगे, आपके लिए होमवर्क है ये, मैंने सब कंडीशन बता दी हैं, अब ये आप खुद कीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों, मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है, आशा है मुझे कि हाँ जरूर, क्यों मेहनत पूरी कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और मेहनत से देखिए इस चीज़ को, देखो कोई फ़ायदा नहीं है मेरी वीडियो बनाने का अगर आप इसे आखिर तक नहीं समझेंगे पूरी। ठीक, आखिर तक मेरी वीडियो देखिए, और कोई दिक्कत आ रही है वीडियो में तो मुझे बताइए और चलने की आज्ञा दीजिए। ठीक दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चीज़ को, जिससे और बच्चों को भी फ़ायदा मिले। ठीक दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जय हिंद जय भारत।